गोड्डा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन का समय जितना नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक सरगर्मियों की तपिश भी बढ़ती जा रही है। कल जहां तक शहरों के चारों ओर निशिकांत दुबे सांसद के हुडिंग और पोस्टर हुआ करते थे, उसे आज सुबह उतार दिया गया है। यह राजनीतिक रंग अब स्टेशन की ओर बढ़ता जा रहा है। जहां भी पोस्टर थे उसे उतार दिया गया है और एक हुडिंग गोड्डा के मुख्य द्वार यानी कि सरकंडा में लगाया गया है जिसमें सांसद के नाम तक नहीं है। हालांकि इस पर जब हमने श्रेय लेने की बात प्रदीप यादव से पूछी तो सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। वह एक प्रश्न और है कि कल तक जो पोस्टर्स मार्केट में लगे हुए थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे सांसद महोदय जी के, आज तमाम होर्डिंग्स को उतार दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू कोई बने तो उसका कोई जवाब नहीं होता। अपने से कहने कोई लगे कि हम प्रधानमंत्री हैं, प्रदीप यादव कहने लगे कि नहीं हेमंत सोरेन के बदले हम मुख्यमंत्री हैं, इसका तो कोई जवाब नहीं है। स्वयं वो पोस्टर लगा लें, माथे पर प्रधानमंत्री का पट्टी बांध लें, उसका कोई जवाब हम नहीं दे सकते, उसका जवाब वो खुद दे। इन तमाम चीजों को सुनने के बाद जब हमारी टीम गोड्डा बीजेपी खेमे में पहुंची, जहां राजनीतिक गर्मी भी बढ़ चुकी थी, जब हमने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव मेहता जी से बात की तो उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब ने यह हवाला देकर पोस्टर उतरवा दिया कि आपने इसका रसीद नगर परिषद से नहीं कटवाया है तो आपको पोस्टर और हुडिंग्स उतरवाने होंगे। जो सांसद जी के पोस्टर्स लगाए गए थे, होर्डिंग्स लगाए गए थे पूरे बाजारों में कि वो शुभारंभ करेंगे रेलवे का, अभी आज तमाम होर्डिंग्स को उतार दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिला प्रशासन गलत तर्क दे रही है होर्डिंग उतारने का। जी, उनका कहना है, एसडीएम साहब से हम इस विषय में बात की है, वो कहे कि रसीद नहीं कटा है। तो नगर पंचायत का जो बोर्ड है उस पर अगर रसीद नहीं कटा है तो एक विषय बन सकता है, जो कि पॉलिटिकल जो भी बैनर आज तक लगा है एक दो दिन के लिए किसी कार्यक्रम में, कोई परंपरा यहाँ नहीं रहा है कि रसीद कटना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों को जानने के बाद हमारी टीम नगर परिषद भी पहुंची ये जानकारी लेने कि आखिर सरकंडा में जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो किसके इजाजत से लगाए गए हैं और क्या इसका रसीद कटा है। तो हमें ये पता चला कि सरकंडा में जो हुडिंग्स लगाए गए हैं उसका भी रसीद अब तक नहीं कटा है। इन तमाम सवालों के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी प्रेस वार्ता करने वाले हैं। अब अगली खबर में हम आपको बताएंगे और ये दिखाएंगे कि इस पूरे मामले पर सांसद क्या कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि स्टेशन का उद्घाटन होना अभी बाकी है।